हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए नॉलेज वर्ल्ड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स और उनमें इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट। तो बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट सेविंग स्कीम इज इन्वेस्टमेंट इन NSE। NSE का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस पे आप मिनिमम 1000 रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट अभी 6.8% पर एनम चल रहा है, जो कि कंपाउंडिंग होगा एनुअली। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको 80C में डिडक्शंस मिलेगा। आप जब अपने ITR फाइल करेंगे तब आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, वो भी 1.5 लाख तक। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है इट्स 100 रुपीज़। यहाँ पे आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है इसका 5.8% पर एनम। यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट है ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन भी नहीं मिलेगा ATC पे, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही टैक्सेबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेविंग स्कीम पे, विच इज पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये है 1000 रुपीज़। यहाँ पर आप मैक्सिमम 4.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर सिंगल अकाउंट है तो। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप यहाँ 9 लाख तक इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 6.6% पर एनम चल रहा है, जो कि आपके अकाउंट पे मंथली क्रेडिट हो जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल तो है, पर यहाँ पर आपको कुछ भी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये है 500 रुपीज़ पर एनम। मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर एनम। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है 7.1%, जो कि कंपाउंड होगा एनुअली। एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज अ टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। आवर लास्ट सेविंग स्कीम इज पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट का लिमिट है 500 रुपीज़। मैक्सिमम आप जितना भी चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट का लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 4% पर एनम चल रहा है। इंटरेस्ट जो भी अर्न होगा इस स्कीम में वो फुल्ली टैक्स फ्री है, मतलब आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा इस इंटरेस्ट अमाउंट पे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। जय श्री राम।